हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। क्या तुम्हें अकेले में डर नहीं लगता? श्री राम की शरण में डर कैसा? परंतु तुम रोज अकेले यहाँ क्या करते हो? मैं हनुमान जी की प्रतीक्षा करता हूँ। हनुमान जी की प्रतीक्षा? हाँ, दादाजी कहते थे कि जहाँ राम जी की कथा होती है वहाँ हनुमान जी अवश्य आते हैं। यहाँ भी आएंगे ना? हाँ, आते हैं वत्स, अवश्य आते हैं। तो फिर वो मुझे मिलते क्यों नहीं? वो श्री राम के भक्त हैं और मैं उनका भक्त हूँ। तुम अभी उनसे मिलना चाहोगे? हाँ। डरोगे तो नहीं? हे पौंड्रक, जिस तरह मैं लंका में रावण का वध कर सकता था परंतु मेरे स्वामी की आज्ञा न होने के कारण उसे छोड़ दिया था, उसी तरह इस समय भी मैं विवश हूं, वरना इसी समय तुम्हारा वध करके मुझे असीम शांति प्राप्त होती। काश मेरे स्वामी श्री राम ने मुझे इसकी आज्ञा दी होती। पौंड्रक, मैं जा रहा हूं और यदि तुम शीघ्र ही धर्म के मार्ग पर नहीं लौटे तो मैं लौट कर आऊंगा, अवश्य आऊंगा। आश्चर्य, पौंड्रक की नगरी में प्रभु का भजन? चलो देखें ये क्या चमत्कार है। श्री रामचंद्र जी की वाह 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 वाह। राम भजन हो तो ऐसा हो, कितना रस है इस भक्त के सुरों में, राम भजन का आनंद आ गया। जय श्री राम। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम प्रभु।
अरे वत्स, सभी चले गए, तुम अभी तक यहीं हो? मैं तो रोज सबके अंत में ही जाता हूँ। तुम रोज यहाँ आते हो? हाँ, श्री राम की कथा सुनने के बाद मेरा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, इसलिए मैं सबसे पहले आता हूँ और सबसे अंत में जाता हूँ। क्या तुम्हें अकेले में डर नहीं लगता? श्री राम की शरण में डर कैसा? परंतु तुम रोज अकेले यहाँ क्या करते हो? मैं हनुमान जी की प्रतीक्षा करता हूँ। हनुमान जी की प्रतीक्षा? हाँ, दादाजी कहते थे कि जहाँ राम जी की कथा होती है वहाँ हनुमान जी अवश्य आते हैं। यहाँ भी आएंगे ना? हाँ, आते हैं वत्स, अवश्य आते हैं। तो फिर वो मुझे मिलते क्यों नहीं? वो श्री राम के भक्त हैं और मैं उनका भक्त हूँ। तुम उनसे क्यों मिलना चाहते हो वत्स? मैं हनुमान जी की पूंछ देखना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी थी। हनुमान जी की पूंछ कितनी शक्तिशाली होगी? पता है, हनुमान जी ने अपनी पूंछ से बड़े बड़े राक्षसों को फेंक दिया था। यदि उन्होंने अपनी पूंछ से मुझे उठाया तो कितना मजा आएगा। वो तुम्हें अपनी पूंछ से अवश्य उठाएंगे वत्स। इसीलिए तो रोज मैं यहाँ आता हूँ, परंतु ना वो आते हैं ना मुझे मिलते हैं। तुम अभी उनसे मिलना चाहोगे? बताओ वत्स, मिलोगे उनसे तुम? हाँ। डरोगे तो नहीं? हनुमान जी आप? हाँ वत्स। प्रणाम। पूंछ पर सैर करोगे? हाँ। अच्छा, पौंड्रक की आज्ञा का विरोध किया है। वासुदेव पौंड्रक को पूजने के बदले दूसरे देवताओं को पूजते हैं। इन्हें इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। जाओ, हर घर को लूट लो, जो विरोध करे उसकी हत्या कर दो। और हाँ, सुंदर और कोमल कोमल बालिकाओं को बंदी बना लाओ। जाओ, जाओ। Hahahaha
पांडुरंग अपने आप को वासुदेव कहता है, अपने भगवान होने की घोषणा करता है और अपनी ही प्रजा पर इसलिए अत्याचार करता है कि वो उसकी आज्ञा के विरुद्ध श्री राम और सीता माता की पूजा करते हैं। हाँ देवी, मैं देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ और ये भी देख रहा हूँ कि वो किस तरह ईश्वर पर श्रद्धा रखने वालों को परीक्षा में डाल रहा है। चल, 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 चल। पुरुष उसके इस अत्याचार को सहन कर सकते हैं, परंतु ये देखिए, देखिए, पांडव कोमल अंगनी समझी जाने वाली स्त्रियों को भी नहीं छोड़ रहा है। ये देखिए, भला वो बेचारी इस परीक्षा में कैसे सफल होंगी। मैं स्त्रियों के प्रति आपकी सहानुभूति को समझ रहा हूँ देवी, परंतु आप इस संबंध में चिंता न करें। मैं चिंता से मुक्त कैसे हो सकती हूँ प्रभु, और मैं चिंता क्यों ना करूँ। कोई राजा किसी भी स्त्री की मान मर्यादा का शत्रु बन जाता है तो समझो उसका विनाश दूर नहीं है। आप तो भली भांति जानते हैं रावण ने सीता के रूप में आपका हरण करके किस तरह अपने विनाश को निमंत्रण दिया था। परंतु उस समय तो आप तुरंत ही मेरी मर्यादा की रक्षा के लिए रावण के साथ युद्ध करने निकल पड़े थे। पौंड्रक की नगरी की इन निर्बल स्त्रियों के लिए मैं चिंतित हूँ, और आप यहाँ बैठकर सब कुछ देख रहे हैं। देवी, मेरी आवश्यकता जब भी होगी मैं स्वयं पौंड्रक को स्त्रियों के अनादर के पाप के बदले में दंड दूंगा। तो क्या इस समय इनकी चीखों को कोई नहीं सुनेगा? पौंड्रक का यह अत्याचारी सेनापति दुर्धर स्त्रियों के शरीर की मानहानि और अपनी मनमानी यूं ही करता रहेगा? नहीं देवी, ऐसा नहीं होगा। पौंड्रक की इस लंका में हनुमान पहुंच गया है, और जहां हनुमान हो वहां कोई रावण किसी भी स्त्री की मर्यादा से खिलवाड़ नहीं कर सकता। अत्याचारी दानव, इस नारी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। हे ब्राह्मण, तुम बूढ़े हो चुके हो, पहले अपने प्राणों की चिंता करो। इस आयु में तुम इस सुंदरी का क्या करोगे? हे उन्मत्त दानव, क्या तुम्हें शिक्षा नहीं मिली कि पराई स्त्री माता समान होती है, देवी होती है और उसकी पूजा की जाती है? हाँ, ये तुमने ठीक कहा कि स्त्री की पूजा की जाती है। हम भी तो इस सुंदर स्त्री को अपने मन मंदिर में बिठा के उसकी सुंदरता की पूजा करना चाहते हैं। फिर तुम हमें रोक क्यों रहे हो? तुम यूं नहीं मानोगे, लगता है मुझे अपने बल का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तुम्हारा बल? सुना सैनिकों, ये ब्राह्मण अपने आप को बलवान समझता है। जाओ, इस ब्राह्मण को यमलोक का मार्ग दिखाओ। जाओ। Thank you.
श्री राम। ओ, तो तुम मायावी भी हो। हाँ। ये कौन है? किसकी लाश है ये? ये यहां कहां से आई? हाँ, अरे देखो कौन है ये? हाँ, तो अपना सेनापति दुर्धर है। दुर्धर? हाँ, सेनापति दुर्धर। दुर्धर? दुर्धर? हमारे सेनापति की लाश हमारे सामने? ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ये? किसने किया ये महापाप? हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इस धरती को उसके लिए नरक बना देंगे, जीवित जला देंगे उसे। नहीं वासुदेव, हमारे होते हुए आप ये कष्ट नहीं उठाएंगे। हम उस धृष्ट के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैं आकाश पाताल एक कर डालूंगा। इस महापाप का महादंड दूंगा उस हत्यारे को। वासुदेव, मैं शपथ लेता हूं कि जब तक
उस हत्यारे को मार नहीं डालूंगा, तब तक मैं अपनी तलवार म्यान में नहीं रखूंगा। हाँ हाँ, हम सब वासुदेव की शपथ लेते हैं कि हम उसे मारकर उसके मुंड को वासुदेव के चरणों में डाल देंगे। हाँ हाँ हाँ, हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं। तुम लोग उस कायर हत्यारे का वध नहीं करोगे, केवल उसे बंदी बनाकर हमारे चरणों में डाल दोगे। हम स्वयं अपने हाथों से उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हाँ, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जो आज्ञा वासुदेव। बोलो भगवान वासुदेव की जय। बोलो भगवान वासुदेव पौंड्रक 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 की जय। किसे दंड देंगे आप? किसकी हत्या करेंगे? कौन है वो? क्या आप जानते भी हैं? दुर्धर का हत्यारा तो अज्ञात है, आप सब व्यर्थ ही हवा में तलवारें चला रहे हैं। यही तो हम जानना चाहते हैं, कौन है वो दृष्ट, वो कायर जिसने चोरी चोरी छल से एक योद्धा की हत्या की और अब मुझ पाए बैठा है, कौन है वो? हाँ, मैं हूं जिसने तुम्हारे अत्याचारी सेनापति को नरक का रास्ता बताया है, मैं ही हूं वो। तुमने हमारे सेनापति की हत्या की, तुमने दुर्धर की हत्या की, असंभव। तुम तो एक बूढ़े निर्बल मनुष्य हो जो अपने कपकपाते हाथों से भोजन का निवाला तक नहीं उठा सकता, वो युद्ध के लिए शस्त्र क्या उठाएगा? ये कोई पागल बूढ़ा लगता है, यहां कैसे आ गया? सैनिकों, इस पागल बुड्ढे को बंदी बना लो। ये तो बहुत शक्तिशाली है, अवश्य कोई मायावी होगा। हे ब्राह्मण, शीघ्र बताओ तुम कौन हो और ये क्या माया रची है तुमने? बताओ कौन हो तुम? हाँ, हे बहुरूपी पौंड्रक, मैं यहां अपनी पहचान बताने नहीं आया हूं, बल्कि ये बताने आया हूं कि तुम कौन हो। मैं तुम्हें तुम्हारी वास्तविक छवि दिखाने आया हूं। मैं तुम्हारी स्वांग, तुम्हारे ढोंग और तुम्हारे नाटक का भांडा फोड़ने आया हूं।
तुम अपने आप को वासुदेव कहते हो, भगवान कहलाते हो। वासुदेव और भगवान कहने के लिए तुमने इन चापलूसों की सेना खड़ी की है जो केवल तुम्हारी सिखाई हुई भाषा बोलते हैं। वासुदेव, ये क्या अनाप शनाप बक रहा है? आप आज्ञा दीजिए, मैं अभी इसका सर उड़ा देता हूं। रुक जाओ वहीं। पौंड्रक की बोली बोलने वाले तोते, यदि तूने या किसी ने भी एक पग भी आगे बढ़ाने की मूर्खता दिखाई तो उसका भी वही परिणाम होगा जो तुम्हारी सेना का हुआ। हे ब्राह्मण, तुम चाहते क्या हो? हाँ, क्या चाहते हो? हे पौंड्रक, अरे वासुदेव का नाम जरा आदर से नहीं ले सकते? आदर उसी को दिया जाता है जो दूसरों को सम्मान देता है, और ये पौंड्रक को तुम सब भगवान का अनादर कर रहे हो। तुम में से कोई भी आदर के योग्य नहीं है। हे पौंड्रक, तुमने अपने आप को भगवान कहलवाकर मेरे स्वामी और सच्चे भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया है। तुमने उनका स्वांग भरकर एक नकली गदा, पदम, शंख और एक नकली सुदर्शन चक्र भी ग्रहण किया है। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं कि तुम अपना ये नाटक बंद करो और अपने राज्य में स्त्रियों का अनादर करना छोड़ दो और धर्म के रास्ते पर आ जाओ, वरना मैं तुम्हारे इस नाटक के साथ साथ तुम्हारे इस राजमहल को भी नष्ट कर दूंगा जिसे तुमने नाटक घर बनाकर रखा है। हे ब्राह्मण, क्या आप अपना परिचय नहीं देंगे? आप अपना नाम नहीं बताएंगे? देवी, इन नास्तिकों के बीच में मैं अपना परिचय देना नहीं चाहता था, परंतु आपकी बात टाल नहीं सकता। मेरा नाम हनुमान है, पवन पुत्र हनुमान। हनुमान? 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 वही जिसने लंका में सीता मैया के सम्मान की रक्षा की थी? हाँ, वो मेरा सौभाग्य था और ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैं उस युग के रावण का वध नहीं कर सका, परंतु मुझे खुशी है कि मैंने इस युग के रावण के एक चेले का वध किया है। प्रणाम। महारानी तारा, तुम इसे प्रणाम कर रही हो? ये मायावी झूठ बोल रहा है, ये हनुमान हो ही नहीं सकता। हनुमान तो त्रेता युग में था और अब द्वापर युग चल रहा है, क्या कोई हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है? नहीं, हाँ, नहीं। जिसे श्री राम ने चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया है वो हजारों वर्षों तो क्या, लाखों वर्षों तक जी सकता है, परंतु ये हनुमान हो ही नहीं सकता। यदि ये हनुमान है तो इसकी पूंछ कहाँ है? कहाँ है इसकी पूंछ? हाँ, कहाँ है? मैंने अपनी पूंछ से बड़े बड़े दानवों का और राक्षसों का विनाश किया है, इसका नवीनतम प्रमाण तुम्हारे सामने है, और फिर जब आवश्यक होगा तो मैं तुम्हें अपनी पूंछ और उसकी विनाशक शक्ति भी दिखाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम। ठहरो। हे बहरूपिये, तुम यहां आ तो गए हो परंतु यहां से जीवित नहीं जा सकते। हाँ, नहीं जा सकते। अच्छा, पौंड्रक, जिस तरह मैं लंका में रावण का वध कर सकता था परंतु मेरे स्वामी की आज्ञा न होने के कारण उसे छोड़ दिया था, उसी तरह इस समय भी मैं विवश हूं, वरना इसी समय तुम्हारा वध करके मुझे असीम शांति प्राप्त होती।
काश मेरे स्वामी श्री राम ने मुझे इसकी आज्ञा दी होती। पौंड्रक मैं जा रहा हूं और यदि तुम शीघ्र ही धर्म के मार्ग पर नहीं लौटे तो मैं लौट कर आऊंगा, अवश्य आऊंगा। जय श्री राम।